दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस 1095 रुपये में क्लोजिंग दिया है, और अगर इसके रिटर्न को हम लोग देखें दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में ये लगभग 4.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीना में ये 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट यानी जनवरी से अभी तक ये 44% का तगड़ा रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में ये 80% का रिटर्न दिया है। पिछले तीन साल में 124% का रिटर्न दिया, पिछले पांच साल में ये 562% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यानी कि पिछले पांच सालों में ये अपने निवेशकों का पैसा 7 गुना से ज्यादा करके रिटर्न कर चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस के बारे में बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, और सारे वीडियो में हम लोगों ने ये पाया था कि मुथूट फाइनेंस एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, और हर वीडियो में हम लोगों ने यही पाया था कि आने वाले समय में इसमें काफी तेजी बनते हुए दिखेगी। और Q1 के रिजल्ट के बाद मुथूट फाइनेंस 1400 रुपये का लाइफ हाई भी लगाते हुए पाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था 19 अगस्त को, जिस समय कि मुथूट फाइनेंस 1256 रुपये के भाव पर चल रहा था। उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग उस पुराने वीडियो का पोर्शन देख लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस के बारे में हम लोगों ने क्या एस्टिमेट्स लगाए थे और हमारे एस्टिमेट्स कहाँ तक मीट हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि आने वाले समय में मुथूट फाइनेंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस पुराने वीडियो जो कि 19 अगस्त को हम लोगों ने अपलोड किया था, उसको देखते हैं। बरमोटर्स की होल्डिंग मुथूट फाइनेंस में 73.4% ही लगातार एक समान बनी हुई है। और अगर हम लोग FIs की बात करें तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जून 2018 में FIs इसमें 9.9% स्टैक होल्ड किए हुए थे, जो कि लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। और अभी वर्तमान में लगभग 14.6% के आसपास स्टैक होल्ड किए हुए हैं FIs। लेकिन अगर हम लोग DIs की होल्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि DIs इसमें लगातार बियरिश होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने समय के साथ अपना स्टैक इसमें काफी कम किया है। तो एक तरफ जहाँ FIs इसमें बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, DIs इसमें बियरिश होते हुए दिख रहे हैं। और लेकिन अगर हम लोग कुल इनके शेयर होल्डिंग को अगर जोड़ करके देखें दोस्तों, तो इनका शेयर होल्डिंग FIs और DIs मिल करके लगभग 20% के आसपास हमेशा बना हुआ दिख रहा है। तो ये 20% का स्टैक बड़े निवेशकों का इसमें काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस वजह से बड़े निवेशक भी इसमें 20% का स्टैक होल्ड करते हैं। तो कुल मिला के ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन देखे जा रहे हैं, और हम लोगों ने भी इसके रिजल्ट के आधार पर और रिटर्न के आधार पर यही पाया है। अब चलिए दोस्तों, इसके Q1 के रिजल्ट कैसे रहे उसको चेक करते हैं। जून 2019 को मुथूट फाइनेंस 2068 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि जून 2020 में बढ़ करके 2604 करोड़ का हो गया। तो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके सेल्स में 25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर दोस्तों सेम पीरियड में हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2019 में ये 556 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि जून 2020 में बढ़कर के 854 करोड़ का हो गया। तो इनके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 53% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। अब चलिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इनके रिजल्ट का मिलान कर लेते हैं। मार्च क्वार्टर में 2020 में मुथूट फाइनेंस 2630 करोड़ का
सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि जून 2020 में घट करके 2604 करोड़ का रह गया। इस प्रकार से इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके सेल्स में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर सेम पीरियड में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में 829 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि जून 2020 में बढ़ करके 854 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में 3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि इनका 1% का सेल्स में डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इनका Q1 FY 21 का रिजल्ट मिक्स रहा है, उतने अच्छे नहीं रहे हैं, नहीं बहुत खराब रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके अनुसार इसके प्राइस को जानना चाहेंगे कि आखिर मुथूट फाइनेंस के शेयर भाव आज के मार्केट कंडीशन में आज के रिजल्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए। हमने यहाँ पर एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है। FY20 में मुथूट फाइनेंस 8703 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी और प्रॉफिट 3006 करोड़ के आसपास रहा था, और EPS इसने 75 रुपीज के आसपास रिपोर्ट किया था। और ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका Q1 का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसमें ये 2604 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है और प्रॉफिट 854 करोड़ का की है, और EPS 21.28 का EPS रिपोर्ट किया है। लेकिन जो हम लोग इस्टीमेट लगा रहे हैं अभी तक के इनके प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के हिसाब से और EPS ग्रोथ के हिसाब से, तो फुल ईयर यानी कि FY21 के फुल ईयर के लिए हम लोग 10,270 करोड़ का रिवेन्यू फ्रंट पर एस्टिमेट लगा रहे हैं, और प्रॉफिट फ्रंट पर ये पूरे साल भर का 4,118 करोड़ का ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, और इनका EPS जो है पूरे साल भर में 102 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। ऐसा हम लोग इसके एस्टिमेट के अनुसार ये कह सकते हैं। और इस हिसाब से दोस्तों अगर पूरे फुल ईयर की प्राइस की बात करें तो किस प्राइस में अगर मुथूट फाइनेंस ट्रेड कर सकता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे साल भर में जो मुथूट फाइनेंस का मिनिमम भाव 983 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1,150 रुपये के आसपास ट्रेड करना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मुथूट फाइनेंस अभी 1,255 रुपये यानी जो फेयर वैल्यूएशन है 1,150 उससे भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं दोस्तों कि मुथूट फाइनेंस के शेयर भाव अभी ओवर प्राइस चल रहे हैं। और अगर हम लोग दोस्तों देखें तो मार्च अप्रैल महीने में ये काफी निचले स्तर या 500 के स्तर से इसने काफी तगड़ा रनअप दिया है, और इसने 1400 के लेवल का हाई बनाया था। तो इतने कम समय में ये काफी अच्छा रनअप दे चुका है। हालांकि इसके Q4 के रिजल्ट काफी बेहतरीन रहे थे, लेकिन अब इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और अब जिस प्राइस स्तर पर यानी 1,250 पर ये ट्रेड कर रहा है वो थोड़े से महंगे लग रहे हैं। और इसके फंडामेंटल्स के अनुसार इनका जो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए 1,150 होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी मजबूत है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग लेवल की बात करें कि किस लेवल में इसमें खरीदारी करनी चाहिए, चूंकि ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है और यह 1,100 के आसपास के लेवल तक छूता है, तो यहाँ से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और अगर मार्केट में और बड़ी तेज गिरावट आती है, काफी तेज गिरावट आती है, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि मुथूट फाइनेंस अगर 1,100 से लेकर के 800 के लेवल तक में मिलता है, तो इस दौरान हम लोग इसे SIP मोड में खरीद सकते हैं और लंबे समय तक इसमें निवेशित रह सकते हैं, ताकि दोस्तों अभी हम लोगों ने पुराने वीडियो में देखा कि
कि मुथूट फाइनेंस के जो Q1 के रिजल्ट हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेहद ही खराब देखने को मिले थे। इनके रिवेन्यू में 1% की गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि इनके प्रॉफिट में 3% का जंप देखने को मिला था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके रिजल्ट जो है काफी तगड़े देखने को मिले थे। इनके रिवेन्यू में 25% का ग्रोथ और प्रॉफिट में 53% का ग्रोथ देखने को मिला था। उस समय ये 1256 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा था और हम लोगों ने जो इसके मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस लगाए थे वो 983 मिनिमम प्राइस था और मैक्सिमम 1150 होना चाहिए थे पूरे फुल ईयर्स के लिए। और उस समय दोस्तों 1256 रुपये पर मुथूट फाइनेंस ट्रेड कर रहा था। तो पुराने वीडियो के जो हम लोगों ने एस्टिमेट्स लगाए थे उस एस्टिमेट्स के आधार पर इस स्टॉक में मुथूट फाइनेंस में 1100 से लेकर के 800 के स्तर तक हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और चूंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 1100 के स्तर पर आ चुका है तो हम लोग यहाँ पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं और इसमें SIP मोड में 800 तक के लेवल तक में हम लोग जरूर खरीदारी करेंगे, ऐसा हम लोग विश्वास के साथ कर सकते हैं। चूंकि इसके रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसके रिजल्ट काफी शानदार रहेंगे और मार्केट चूंकि काफी ऊंचाइयों पर चल रहा है और ये कहीं ना कहीं आगे चल करके जरूर करेक्शन देगा। इस करेक्शन में हम लोग मुथूट फाइनेंस के शेयर को निचले स्तरों पर यानी कि 800 के स्तरों पर भी जाता हुआ देख सकेंगे और वो काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी हम निवेशकों के लिए कि लंबे समय में हम लोग इसमें निवेशित होकर के उन गिरे हुए भाव में लंबे समय तक अगर बने रहते हैं तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ महीनों और सालों में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक भी करें शेयर भी करें और उम्मीद मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप सभी अवश्य इंतजार करेंगे। ये तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।